ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर टिहरा में गांधी जयंती का पर्व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में उपमंडल अधिकारी शिल्पा बरेटा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि स्वच्छता महात्मा गांधी का बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी लिखित पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया है। सुजानपुर टिहरा में गांधी जयंती का पर्व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में उपमंडलाधिकारी शिल्पा बरेटा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि स्वच्छता में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी लिखित पुस्तकों में भी इसका वर्णन किया है। सुजानपुर टिहरा में गांधी जयंती के ऊपर उपमंडलाधिकारी ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान अपनाया और लोगों को स्वच्छता के ऊपर संदेश दिया। वहीं उन्होंने प्लास्टिक के प्रतिबंधित होने का भी संदेश लोगों को दिया। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर ये स्वच्छता दिवस उनके सपने को साकार करने के लिए मनाया जाता है। वहीं इसके साथ साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रही। गांधी जयंती भी है और स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी है। तो हमने सबसे पहले सुबह 7:30 बजे अपना कार्यालय मनाया, कार्यालय साफ सफाई की पूजा। उसके उपरांत हमने जो गर्ल्स स्कूल है मॉडल कन्या विद्यालय है वहाँ पर मनाई छोटे बच्चों के साथ, और फिर हमने बॉयज स्कूल में आपके यहाँ थोड़ी ऑर्गेनाइज करवाई थी। उसमें मुख्यतः अंगिका योजना की बातचीत हुई है, हमारे जो राज्य उनको सम्मानित किया गया है, लघु नाटिकाएँ हुई हैं जिससे लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागृत कर दिया गया है। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि स्कूल के बच्चों ने वॉलंटियर्स में जो रैली और बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, इंटरैक्टिव सेशन था, सब बाद हुआ, उसमें बढ़ चढ़ कर बच्चे ने भी हमें अधिकारियों ने और यहाँ मौजूद जो हमारे बेनिफिशरीज थे उन्होंने उसमें भाग लिया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम नगर परिषद द्वारा रखा गया था उसमें माननीय उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेटा जी विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने भी सबको जागरूक किया कि प्लास्टिक मुक्त हिमाचल को कैसे बनाना है। मेनली हम सुजानपुर की बात करें तो सुजानपुर में हम लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे, घर घर लोगों को जाके जो पार्षद हैं वो उनको अलग अलग घर जाके वो अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे हमने गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग सेग्रीगेट करना है। ठीक है, मेनली हम पहले हम तो लोगों को जागरूक करेंगे, उसके बाद जो भी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देश को आज़ादी दिलाई और उन्हीं का मिशन है एक पॉलीथीन फ्री करना और अनेकों लोगों को जागरूक किया गया इसी माध्यम से। आज भी सुजानपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रोग्राम किया गया जिसमें SDM महोदय जो मुख्य अतिथि के तौर पर रहीं और उन्होंने भी लोगों को और बच्चों को जागरूक किया गया है कि पॉलीथीन फ्री कैसे करना है और इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है। इसको प्लास्टिक से मुक्त किया जाएगा, ये हमारा प्रण है। नगर परिषद की दो दो घर से कूड़ा खाएंगे तब वेस्ट लग और ये प्लास्टिक।